ये लोग कब सुधरेंगे? लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंक के चले जाते हैं। हाँ यार, हम कितना अच्छा स्वच्छता अभियान चलाते हैं, फिर भी कितने लोग हैं जो सुधरते नहीं। सुधरेंगे सोड़ी, सुधरेंगे, एक दिन जरूर सुधरेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखना तुम, एक दिन हमारा भारत देश स्वच्छता में नंबर वन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग छोटी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम जी। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। ओ जेठा, सब ठीक है ना? हाँ पक्का? हाँ क्यों? अरे वो कल चाचा जी बहुत गुस्सा हो गए थे ना, इसलिए। नहीं ऐसे तो सब शांत हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कमाल है, चाचा जी की बातों से लगा तो नहीं कि उनका गुस्सा शांत हो गया है। सोड़ी भाई, किस खुशी में जेठा भाई को उठा लिया? अंजलि भाभी, और कल चाचा जी जेठा भाई पे गुस्सा हो गए थे ना, वो भी शांत हो गए। अरे वाह, अरे वाह, चलो बरो चलो। दया भाभी अभिनंदन। थैंक यू। आओ अब मुझे नीचे तो उतर भाई। अरे जेठालाल, अरे ये तो गुड न्यूज है ना। जेठा जी अच्छा हुआ, इन सब बातों को बड़ा दिल रख के भूल ही जाना चाहिए। हाँ भूल जाओ, भूल जाओ। अरे बबीता जी, मैं तो भूल ही गया हूँ। लेकिन बापू जी अभी जरा थोड़ा नाराज है। तो क्या हुआ, कल है ना बापू जी ने मुझे बोला था कि दुकान से जल्दी आ जाना रात को घर पे, क्या सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो उधर दुकान में क्या, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का मंडल है, तो उसके जो अध्यक्ष है ना संघवी भाई, तो उनका बर्थडे था, तो बर्थडे पार्टी थी, तो मुझे उसमें जाना पड़ा। उसमें घर आने में थोड़ा लेट हो गया और बापू जी राह देख रहे थे मेरी, तो उसमें थोड़ा उनका गुस्सा आ गया। लेकिन छोटी सी बात है, मैं उनको बाद में प्यार से मना लूंगा। वाह वाह वाह, इसी बात पे जेठा के लिए तालियां हो जाए। जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तीतर बितर। बंद कर ये ताली बजाना। जिस हाथ से ताली बजाता है उसी हाथ से तमाचा मारता है। कैसा सुविचार लिखा है तूने? कुबे ऐसा क्या लिखा है तूने? जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तितर बितर। जब तुझे पता है बापूजी मुझ पर बेवजह गुस्सा हुए हैं, फिर भी मैं उनका मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे में ऐसा सुविचार लिख के तू कांडी लगा रहे? यह तेरा शिक्षक धर्म? जेठालाल तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे क्या गलत समझ रहा हूँ, तू गलत समझ रहा है। सुविचार, सुविचार का मतलब क्या होता है? अच्छे विचार, जिससे परिवार में अच्छे संस्कार का सिंचन हो। और ऐसे सुविचार लिख के मेरे परिवार में जो पहले से अच्छे संस्कार का सिंचन हुआ है, उसका तो खिंचन करना चाहता है। ओ पिड़ू, तनु ऐवें नहीं करना चाहिए था सी। सोड़ी पिड़ू। अहो, ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी? सॉरी माधवी भाभी, वो देखिए ना, ऐसे टाइम पे कोई ऐसा सुविचार लिखता है? तू बोस भाई, बोस अभी का भी बोस। मुझे अरे मीठा, अभी क्या भी मीठा। अच्छा पूस, लेकिन जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, ऐसा सुविचार लिख के भाई तू क्या साबित करना चाहता है कि मैं बापूजी का आदर नहीं करता? अरे कितने बार बापूजी मुझ पे बेवजह गुस्सा करते हैं, फिर भी मैं उनके सामने कभी नहीं बोलता। ये आदर नहीं तो और क्या है? हमेशा मुझे ही गलत साबित करने पे तुला हुआ रहता है। अरे जब बापूजी मुझे बेवजह डांटते हैं, तब मन ही मन मुझ पे क्या बीतती है, कभी ये जानने की कोशिश की है? कभी उसके बारे में सुविचार लिखा है? अगर वो तू जानने की कोशिश करता ना, तो आज ये सुविचार नहीं लिखता। इसकी जगह
क्या सुविचार लिखता? जेठालाल तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन वो सुविचार मैंने नहीं लिखा था, चंपक चाचा ने मुझसे लिखवाया था। मतलब आटलस ये इस प्रकार का सुविचार ये लिख ही नहीं सकते। हाँ वो तो है, बापूजी ने, हाँ बापूजी ने लिखवाया। बापूजी ने ऐसा सुविचार लिखवाया मतलब बापूजी ऐसा मानते हैं कि मैं उनका आदर नहीं करता? ये? मैंने तुझे जो सुविचार लिखवाया था वो किसने मिटाया? मैंने कहा था ना उसे मिटाना मत, फिर किसने मिटाया? बोल किसने मिटाया? तूने मिटाया? बोल। वो बापूजी मुझे लगा भिड़े ने वो सुविचार मुझे ताना मारने के लिए लिखा है, इसलिए तूने मुझे ताना मारने के लिए ये सुविचार लिखा। नहीं नहीं बापूजी, जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील तो चकना चूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। मेरा भाभी संभालिए। मतलब मैं तुझ पे हमेशा बिना वजह गुस्सा होता हूँ, तेरी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात है ही नहीं बापूजी। नहीं नहीं अच्छा है, पूरी दुनिया के सामने तूने अपनी मन की बात जाहिर कर दी। बापूजी, बापूजी कहाँ जा रहे हैं? ओ हाँ बापूजी। किसे कह रहे मुझसे बात ना करे? बाबूजी प्लीज प्लीज बाबूजी घर छोड़ के मत जाइए बाबूजी प्लीज। घर छोड़ कर मत जाइए बाबूजी। बाबू मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। बाबूजी क्यों झूठ बोल रहे, मंदिर तो भी आप जाके आए। प्लीज बाबूजी प्लीज आप घर छोड़ के मत जाइए बाबूजी प्लीज। ओ पहले मैं सोसाइटी के मंदिर में गया था, अभी राम मंदिर जा रहा हूँ, दर्शन करके घर वापस आ जाऊंगा। सॉरी बाबूजी सॉरी। ओहो ये क्या हो गया, बापूजी का गुस्सा तो शांत होने के बदले और बढ़ गया। हे भगवान मेरी कुंडली में आपने ऐसे कैसे ग्रह बिठा दिए, मैं जब भी कुछ सीधा करना चाहता हूँ उल्टा ही हो जाता है। अब तो बापूजी को मनाना और भी मुश्किल हो गया। हाँ अभी चाचा जी अगर जेठापुरा से बात ही नहीं करेंगे तो जेठापुरा चाचा जी को मनाएंगे कैसे? चाचा जी को जेठा भाई से इतना नाराज कभी नहीं देखा। दया भी क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जेठालाल बुजुर्गों को गुस्सा बोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, चाचा जी को थोड़ा सा वक्त दो, सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ जेठा जी, आप चाचा जी की कोई भी बात प्लीज दिल पे मत लीजिए। हाँ अरे बबीता जी मैं तो कब का भूल गया हूँ, आज सुबह से बापू जी को मनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन बापू जी क्या मान ही नहीं रहे। जेठालाल मैंने बोला ना थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय के चलते सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ इनकी बात सही है। अभी तो क्या सही क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि भाभी मेहता साहब कहाँ है? जेठा भाई तारक तो कब के ऑफिस चले गए? ये मेहता साहब के भी आजकल नाटक बढ़ गए हैं, जब जरूरत होती है तब होते ही नहीं है। मेहता साहब को फोन भी नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, बापू जी को कैसे मनाऊं? टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, देखिए अभी शांति से दुकान जाइए और आज दुकान से जल्दी घर पर आ जाना, और आज हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे ना तो बापूजी का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ बरोबर है। हाँ जेठापुरा देखना वाहेगुरु जी की कृपा से सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। आओ चलो मैं तुम्हें दुकान छोड़ूं। हे मामा सब ठीक कर देना, बापूजी और टप्पू के पापा का अबोला टूट जाए और पहले जैसा सब अच्छा हो जाए, ऐसा करना मां।
दया भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ना, घर में जब भी ऐसी कोई अनबन होती है ना, तो सबसे ज्यादा हम स्त्रियों को ही भुगतना पड़ता है। वो क्या है, धर्म संकट हो जाता है और बिचारी दया भाभी, उनको तो दोनों तरफ से संभालना पड़ रहा है। गणपति बप्पा संभालूंगे रे बाबा। चलो दया भाभी घर चलो। थैंक यू भीड़ बहन। सबसे पहले तुम वो सुविचार मिटा दो, क्या चाचा जी आएंगे देखेंगे तो फिर गुस्सा हो जाएंगे। करेक्ट। अय्यर क्या सुविचार, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अथवारा मेरा कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। पता नहीं बापूजी ने टप्पू के पापा के साथ जो बोला लिया है वो कब खत्म करेंगे। कल रात को बापूजी ने सोसाइटी वालों के सामने टप्पू के पापा को डांट दिया और आज सुबह भी उनकी बोला चली हो गई। मुझे लगा कि बापूजी कल रात की बात भूल जाएंगे, जैसा था वैसा हो जाएगा, पर नहीं, बात तो और भी बढ़ती जा रही है। ये क्या हो गया, हमारे घर को किसकी नजर लग गई? बेचारे टप्पू के पापा पर क्या बीत रही होगी, वो कितने दुखी मन से दुकान गया। अरे कहीं चिंता चिंता में वो फिर से बापूजी के बचाव का टिकट बुक कराने ना भूल जाए, ऐसा होगा तो बापूजी और गुस्सा हो जाएंगे। अब क्या करूं। अच्छा याद आया, कुछ करना पड़ेगा। हाँ नट्टू काका और बाबा भाई को फोन करती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, नटोलाल प्रभाष शंकर उंडे वाला स्पीकिंग फ्रॉम गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नेटू काका मैं बोल रही हूँ। ओ सेठानी जी, आप कहिए कहिए, क्या हुक्म है? आप वो आपके सेठ जी दुकान पे पहुँच गए? नहीं सेठानी जी, कुछ खास काम था सेठ जी का? नहीं नहीं सेठ जी का नहीं, आपका और बाघा भाई का, मुझे बहुत जरूरी काम है। एक मिनट बाघा। क्या हुआ सेठानी जी? मैं फोन स्पीकर पर रखता हूँ ताकि आप बागा से भी बात कर सके। हाँ बोलिए सेठानी जी। नट्टू काका, बागा भाई, अच्छे ध्यान से सुनिए, हमारे घर में बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। अरे बाप रे, सेठानी जी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, आपको टेंशन हमारे कंधों पर डाल दीजिए, हम उस टेंशन का नामो निशान मिटा देंगे। हाँ, इसीलिए तो फोन किया। अब देखिए बात ये है कि टप्पू के पापा का आज सुबह से मूड बहुत ही बिगड़ा हुआ है। बाप रे, क्या हुआ सेठानी जी, सेठ जी के मूड को क्या हो गया? वो हुआ यूं कि कल टप्पू के पापा ने बापूजी को वादा किया था कि वो समय से घर पर आ जाएंगे और हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। आज रात से मैं खाने के टाइम के पहले ही दुकान से घर आ जाऊंगा। पर कल रात को टप्पू के पापा एसएसएन की पार्टी में चले गए और हम लोग उनकी राह देखते देखते भूखे बैठे रहे। पर जब टप्पू के पापा रात को लेट घर पर आए ना, तो बापूजी बहुत बिगड़े और सोसाइटी वालों के सामने उनको बहुत डांटा। ओह माय गॉश, यानी बापूजी और सेठ जी के बीच कल रात का टेंशन अभी तक चालू है? नटू काका इतना ही नहीं, आज सुबह भी बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में सोसाइटी में बोला चली हो गई। अरे बाप रे। तो प्लीज आप जरा टप्पू के पापा के मूड को संभाल लेना है। सेठानी जी आप प्लीज मत कहिए, सिर्फ हुक्म कीजिए। अब सेठ जी का मूड ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। जी थैंक यू। और हाँ नटू काका, बगा भाई, टप्पू के पापा 2-3 दिन से बापूजी की बचाव के टिकट बुक करवाना भूल रहे हैं, तो उस वजह से भी बापूजी गुस्सा है। तो आप प्लीज अगले महीने की बापूजी की बचाव के टिकट बुक करा देंगे? सेठानी जी आप समझिए कि टिकट बुक हो गई। थैंक यू बगा भाई, थैंक यू। सेठानी जी आप सेठ जी की चिंता छोड़ दीजिए,
मैं और बागा सेठ जी का टेंशन दूर कर देंगे, और भगवान ने चाहा तो बापूजी ने जो अबोला लिया है वो भी खत्म हो जाएगा। दया भाभी आ जाए। मैंने जो कहा बराबर याद रखना, कोई गड़बड़ ना हो। डोंट वरी सेठानी जी, वी आर हियर, देन नो फियर, मतलब सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। वो बापूजी ने कल रात से टप्पू के पापा के साथ अबोला लिया है, बहुत चिंता हो रही है मुझे। लेकिन दया भाभी, चाचा जी जेठा भाई पे इतना गुस्सा क्यों हो गए? मैंने तो पहली बार चाचा जी को इतना गुस्सा होते हुए देखा है, जरूर कुछ खास वजह होगी। वजह तो एक ही है, बापूजी ने कल रात को साथ में खाना खाने का प्रोग्राम बनाया था, दुकान से टप्पू के पापा को आने में देरी हो गई। ओ भगवान, इतनी सी बात के लिए? मेरे रोशन का तो अम्मेस का ऐसा ही है, जब भी हम लोग कुछ प्लान करते हैं ना तो खुदा ही जाने क्यों उसी दिन उसको गराज से आने में देरी हो जाती है। हाँ दया भाभी, हमारे पतियों के काम का कोई भरोसा ही नहीं होता। अब तारक की बात ले लीजिए, कितनी बार मुझे कहते हैं कि अंजलि आज शाम को 7 बजे तुम्हारे सामने हाजिर। घर पे अंजलि 7 बजे से 10 बजे तक इंतजार करेगी, पर उनका कोई अता पता नहीं होगा। अब देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि मैं मूवी और डिनर का प्लान करके घर पे रेडी रहती हूँ और लास्ट मोमेंट में अय्यर का फोन आता है कि कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है और वो टाइम पे नहीं पहुंच सकता है, तो हमें सारा का सारा प्लान कैंसिल करना ही पड़ता है। अरे बबीता, कभी कभी हम लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं ना और हंस को अर्जेंट किसी पेशेंट का फोन आता है, तो बेचारे हंस को हमें डिनर पर अकेले छोड़ के पेशेंट देखने के लिए भागना पड़ता है। अरे एक बार हम लोग मेरे कजिन की शादी के लिए घर से निकलने ही वाले थे, तभी नेम का इनके स्टूडेंट का फोन आया, कहा है तुम्हारे एग्जाम के पेपर सॉल्व करने हैं। अभी दूसरे ही दिन उसकी एग्जाम थी, तो ये कहां घर से निकलते, बैठ गए पेपर सॉल्व करने के लिए। थोड़ी देर बाद भी करके इतना लेट हो गए कि जब शादी में पहुंचे तो दूल्हा दुल्हन भी खाना खा चुके थे। एग्जैक्टली दया भाभी, हमारा प्लान क्या और सिचुएशन कब उल्टा हो जाए हमें पता ही नहीं चलता है। पर बबीता जी, मैं तो एकदम धर्म संकट में आ गई हूँ, न टप्पू के पापा को कुछ कह सकती हूँ, न बापूजी को तो कुछ बोलने का मैं सोच भी नहीं सकती। ये भी है। चल दया भाभी, किसको क्या कहे वो ही समझ में नहीं आ रहा होगा। चाचा जी इस बात को लेकर इतना गुस्सा होंगे, ये तो मैंने सपने भी नहीं सोचा था। अरे माधवी भाभी, ये गुस्सा चीज ही ऐसी है, एक बार दिमाग पे चढ़ जाता है तो इंसान रिश्ते नाते सब भूल जाता है, और गुस्से में इंसान ना कहने वाली बातें भी कह जाता है। हाँ बराबर छे, और अगर गुस्से का जवाब गुस्से से मिले तो आग को हवा तो मिलती है ना। गुस्से में हर बात बिगड़ी जाती है, और गुस्से की वजह से मामला सुलझाने जाओ ना तो और उलझ जाता है। बराबर छे कि नहीं? दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपके साथ हैं। थैंक यू। वैसे मैं चिंता नहीं करती हूँ, उल्टा चिंता को दूर करने का प्रयत्न करती हूँ, पर ये जो समस्या है ना कुछ अलग ही है, ना मैं पति परमेश्वर को कुछ कह सकती हूँ ना बापूजी को, अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, किसे समझाऊँ। दया भाभी देखिए, फिलहाल ना मामला बहुत नाजुक है, मेरे हिसाब से आप चाचा जी को तो फिलहाल कुछ मत कहिए, और जेठा भाई को सलाह दीजिए कि इस वक्त उनका दिमाग शांत रखे। इसीलिए मैंने नटू काका और बाघा भाई को अभी फोन करके बताया कि दुकान में टप्पू के पापा आए ना तो उनका दिमाग शांत रहे, मूड अच्छा रहे और उनको बिल्कुल टेंशन ना हो, ऐसा करना। उन्होंने मुझे वादा किया है कि वो टप्पू के पापा का मूड बदल देंगे। मित्रों, चंपक चाचा के गुस्से का स्कोर बोर्ड इस वक्त 2020 मैच की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो गड़ा परिवार के अलावा पूरा गोकुल धाम टेंशन में है चंपक चाचा के गुस्से की वजह से। गुस्सा चीज ही ऐसी, जब आदमी गुस्से में होता है तो भले उसकी दोनों आंखें खुली हो, मन की आंखें बंद हो जाती है, समझदारी पर कोई नियंत्रण नहीं है और जुबान तो बेलगाम हो जाती है, और आदमी तीर और तलवार की तरह इतने नुकीले शब्द बोलता है जिनका घाव बरसों तक बड़े लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन गुस्से में आदमी सब कुछ भूल जाता है, सारे सुविचार भूल जाता है, और चंपक चाचा को मनाने के लिए इस वक्त जेठालाल बुरी तरह फंस चुके हैं। इन दोनों के बीच के गुस्से की आग बेहद तप गई है, अब दया भाभी इन दोनों के बीच के गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए कुछ करने वाली है। दया भाभी क्या करेंगी, अब ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों के बीच के गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए दया भाभी क्या करती है और किसकी मदद लेती है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
अगला देखते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।